हेलो स्टूडेंट्स, मैं पार्थ जोशी, ग्रे सुपर एकेडमी से। होप सो इस कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड के अंदर आप घर पे सेफ होंगे और पेरेंट्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे और काफी सारी न्यू एक्टिविटीज आप घर पे सीख रहे होंगे। एंड स्पेशल थैंक्स टू पेरेंट्स जिन्होंने ऑल इंडिया कंप्यूटर साक्षरता मिशन एंड ग्रे सुपर एकेडमी को सपोर्ट किया, जिनकी वजह से आज हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वीडियो कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हैं और आप तक पहुंचा पा रहे हैं। अब तक हम हमारे ग्रे सुपर यूट्यूब चैनल पर 4 वीडियोस पोस्ट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकल डेमो सेशन देखेंगे जो वो सारी 4 वीडियोस के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो चलते हैं हम हमारी प्रैक्टिकल लैब के अंदर, जहां सूरज सर आपको प्रैक्टिकल लाइव डेमोस्ट्रेशन देंगे। लेकिन उसके पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अननेसेसरीली बाहर ना निकलें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछली 4 वीडियोस में देखा था, वही हम सारी चीजें आज लाइव डेमोस्ट्रेशन के साथ देखने वाले। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है 3 प्रकार के होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप और पाम टॉप। सबसे पहले हम डेस्कटॉप की बात कर लेते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर एक तरीके से पर्सनल कंप्यूटर होता है। इसे हम अपने डेस्क यानी टेबल के ऊपर रखकर यूज करते हैं और डेस्कटॉप कंप्यूटर को पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू। हमारा दूसरा कंप्यूटर है लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, इसे हम आसानी से कैरी कर सकते हैं और इसे आप कहीं भी ट्रैवल के दौरान भी ले जा सकते हैं। और लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर पावर का रिक्वायरमेंट जो रहता है वो बैटरी के ऊपर डिपेंड रहता है। हमारा जो थर्ड कंप्यूटर है वो है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर एक तरीके से मोबाइल डिवाइस भी हो सकता है, इसे हम अपने हाथ की हथेली पर रखकर यूज करते हैं और इसकी जो रिक्वायरमेंट रहती है पावर की वो भी बैटरी के ऊपर डिपेंड रहती है। अभी हम कंप्यूटर हार्डवेयर की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, हार्डवेयर इज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिस चीज को आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और जो रिपेयरेबल होती है वो होता है हमारा हार्डवेयर, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, इन सारी चीजों को अपन छू सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेबल भी एक तरीके का फिजिकल पार्ट होता है, तो टेबल भी हमारा हार्डवेयर पार्ट में गिनाता है। पर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में जो हमारे पार्ट्स होते हैं हार्डवेयर के, वो ये सारे होते हैं। अभी हम कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं। सॉफ्टवेयर यानी लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर, जिसे हम देख सकते हैं पर छू नहीं सकते और ये रिपेयरेबल भी होता है। जैसा कि हमने पढ़ा था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है, 2 टाइप्स होते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। अभी आप अपनी स्क्रीन पर विंडोज 10 का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर देख रहे हैं, जो कि अभी का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर देखे जाते हैं, जैसे विंडोज 7, XP और लिनक्स। ये है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम अपना डेटाबेस बनाते हैं, जैसे ये वर्ड की फाइल है, इसमें हम अपना डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे। डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था, डिवाइसेस 3 प्रकार के होते हैं, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। अभी हम इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। जो डिवाइसेस यूजर के सेट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस को सिस्टम तक पहुंचाते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, रिमोट, एयरफोन, बायोमेट्रिक्स। अब इसको एग्जांपल के रूप में देखते हैं। जब भी आप कीबोर्ड से कुछ भी टाइप करते हो तो वो जो टाइप किया हुआ है वो हमें मॉनिटर के अंदर दिखता है, या फिर आप कभी भी टीवी को ऑन करते हो, ऑफ करते हो, उसके चैनल चेंज करते हो, तो उसका जो भी रिफ्लेक्शन या फिर रिजल्ट होता है वो हमें स्क्रीन के अंदर देखने को मिलता है।
और ये है हमारे पास बायोमेट्रिक्स, इससे आप अपनी फिंगर्स को स्कैन कर सकते हो। स्टोरेज डिवाइस, जो डिवाइस यूजर के फाइल्स को, डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखते हैं वो स्टोरेज डिवाइस होते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी चीजें जो भी यूजर के डेटा होती है, फाइल्स होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इन सारी चीजों को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखता है। आउटपुट डिवाइस, जो डिवाइसेस यूजर के सेट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट हमें प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं आउटपुट डिवाइस, जैसे कि स्पीकर्स, प्रिंटर, मॉनिटर। जब भी कोई आप गाने स्पीकर के अंदर बजाते हो तो उसका साउंड हमें लाउडली सुनाई देता है। जब भी कोई प्रिंटर से आप कुछ प्रिंट करते हो तो उसकी हार्ड कॉपी हमें मिलती है। आप जब भी माउस से क्लिक करते हो या फिर कीबोर्ड से टाइप करते हो तो वो सारा रिजल्ट हमें मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है। अभी हम कीबोर्ड के बारे में जानेंगे। कीबोर्ड दो टाइप के होते हैं, नॉर्मल और मल्टीमीडिया। ये है नॉर्मल कीबोर्ड और ये है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। नॉर्मल कीबोर्ड में 102 से लेके 104 के बीच में कीज होती है। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में 112 से लेके 136 के बीच में कीज होती है। अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो कुछ इस तरीके से होगा। फंक्शंस की F1 से लेके F12 के बीच में होती है। अल्फाबेटिकल कीज A से लेके Z तक के बीच में होती है। और स्पेशल कीज जैसे स्पेस, एंटर, बैकस्पेस, शिफ्ट, ये सारी कीज होती है स्पेशल कीज। अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल कीज 0 से लेके 9 के बीच में होती है। ये यहाँ पर भी होती है और ये यहाँ पर भी होती है। इसके अलावा कीबोर्ड के अंदर सिंबॉलिक कीज भी होती है, जैसे कॉमा, प्लस, माइनस। ये सारी कीज दोनों कीबोर्ड के अंदर पाई जाती है। पर जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड है उसमें नॉर्मल कीबोर्ड के मुकाबले थोड़ी सी कीज ज्यादा होती है, जैसे म्यूट की, रिवाइंड की, बैकवर्ड की, स्टॉप की, पॉज की। इसके अलावा भी बहुत सारी कीज देखी जाती है। ये है हमारे दो टाइप के कीबोर्ड, मल्टीमीडिया और नॉर्मल। माउस, माउस तीन टाइप के होते हैं, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और टच पैड। ये है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस वेट में बहुत ही हल्का होता है और ऑप्टिकल माउस के नीचे लेजर होता है जिससे वो माउस ऑपरेट होता है। ये ऑप्टिकल माउस वायरलेस है और ये ऑप्टिकल माउस वायर्ड है। ये भी सेम टू सेम नीचे इसके काम करता है लेजर। दूसरे टाइप का माउस हमारे पास है टच पैड। टच पैड में 2x2 की प्लेट होती है और टच पैड जो है फिंगर से यूज किया जाता है और टच पैड ज्यादातर लैपटॉप में ही देखा जाता है। मैकेनिकल माउस, मैकेनिकल माउस वेट में हैवी होता है कंपेयर टू ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस का यूज आज के टाइम में नहीं किया जाता है। मैकेनिकल माउस ओल्ड टाइप का माउस है, पहले के टाइम में इसका यूज था। मैकेनिकल माउस के नीचे यानी जहां पे ऑप्टिकल माउस के नीचे लेजर होता है वहीं मैकेनिकल माउस के नीचे रबर बॉल होता है जिससे वो माउस ऑपरेट किया जाता है। अभी हम सिस्टम को कनेक्ट कैसे करते हैं, सिस्टम को ऑन कैसे करते हैं, सिस्टम शटडाउन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। उससे पहले हम सीपीयू के पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास पावर केबल का पोर्ट है। यहाँ पे हम पावर को कनेक्ट करते हैं जिससे सीपीयू स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारे पास यूएसबी पोर्ट है। यहाँ पे यूएसबी की दो कैटेगरी होती है, एक तो 2.5 की और दूसरा 3.5। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे VGA केबल है। ये VGA केबल मॉनिटर और प्रोजेक्टर दोनों के अंदर काम में आता है। उसके बाद हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क, इससे हम अपने LAN को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सिलरी केबल जिसमें हम अपने हेडफोन्स और स्पीकर्स को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले CPU कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था ये है हमारा पावर केबल, इस पोर्ट के अंदर हमें इसको अटैच करेंगे। ये है VGA केबल जो VGA पोर्ट में अटैच होगी। ये VGA केबल मॉनिटर की है।
ये है मॉनिटर के यूएसबी पोर्ट्स जो हम सीपीयू के यूएसबी पोर्ट्स में कनेक्ट करेंगे। इससे मॉनिटर को पावर सप्लाई मिलता है। इसके अलावा आजकल मॉनिटर के लिए पावर सप्लाई कोड अलग से आता है जो डायरेक्ट स्विच बोर्ड से कनेक्ट होता है। ये है कीबोर्ड और माउस के केबल्स जो हम सीपीयू के पोर्ट्स के अंदर डालेंगे। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि हमारे सीपीयू के सारे पोर्ट्स कनेक्ट हो गए हैं। ये है हमारा सीपीयू का पावर केबल, ये है मॉनिटर का वीजीए केबल, ये है मॉनिटर के पावर सप्लाई के लिए यूएसबी पोर्ट्स और ये है कीबोर्ड और माउस के यूएसबी पोर्ट्स। अभी हमारे सीपीयू के सारे पोर्ट्स कनेक्ट हो गए। अब हम सिस्टम को ऑन करेंगे। ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें स्विच बोर्ड का पावर बटन ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें सीपीयू के अंदर दो बटन आगे की साइड में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला वाला है हमारा पावर ऑन बटन जिससे हम अपने सिस्टम को चालू करेंगे। उसके ठीक नीचे है हमारे पास आर बटन। इस बटन के ऊपर आर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है रीस्टार्ट। जब भी आपका सीपीयू लैगिंग करने लगे या फिर हैक हो तो आप इस बटन का इस्तेमाल करके उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम सिस्टम ऑन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है। अभी हम सिस्टम बंद कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आप सिस्टम को ऑफ करने जाओ तो कभी भी उसे डायरेक्ट पावर से ऑफ ना करें। हमेशा सिस्टम को शटडाउन किया जाता है। शटडाउन करने के लिए आप हमेशा विंडोज बटन पे आके यहाँ पे शटडाउन का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, उस पर आप क्लिक करके शटडाउन कर सकते हैं। और हमेशा शटडाउन करने के बाद कोई भी पावर केबल ऑफ नहीं की जाती है जब तक आपकी डिस्प्ले बंद ना हो। तो इसी वे में हम अपने सीपीयू से अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं और शटडाउन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, होप सो इस वीडियो को आपने अच्छी तरीके से देखा होगा और बहुत कुछ इससे सीखा होगा। स्पेशल थैंक्स टू सूरज सर जिन्होंने हमें प्रैक्टिकल लाइव डेमोंस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाया और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको समझाया। होप सो आगे भी आप कंसिस्टेंटली वीडियोस को देखते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप लर्निंग।